दोस्तों अभी मैं एक 9 डे वाटर फास्ट पे हूँ। ये डे 4th है, सिर्फ पानी पीने का फास्ट है, खाना तक कुछ नहीं खाना पूरे 9 दिन में। तो हम अभी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, द अल्टीमेट गाइड टू फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग से 9 डे तक की फास्टिंग के सारी चीजें। इसमें आपको एक पूरा डिटेल्ड गाइड मिलेगा कि फास्टिंग की कैसे जाती है, साथ में किताब मिलेगी एंड विद ऑफर ऑफ असिस्टेंस ऑल्सो, ताकि जब फास्ट करो कोई ना कोई आपको गाइड करता रहे। तो इस टाइम पे प्री लॉन्च ऑफर्स हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कोर्स हम 1 महीने बाद लॉन्च कर रहे हैं। तो इन केस यू इंटरेस्टेड टू फास्ट, दिस इज नंबर टू हिट। सो एंजॉय द वीडियो। दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है, मैं हूं अमित अनुराग। और ये अब बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो आ गया था, बड़े सारे लोगों ने कहा था कि राजवीर की इस वीडियो पे रिएक्ट करें। राजवीर ने रिसेंटली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उन्होंने एक गाना शूट किया था उस चीज के लिए। तो एक मजे की बात क्या है, मतलब थैंक्स टू पीपल लाइक राजवीर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इस पूरे वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वही इस वीडियो का पूरा टॉपिक है। लेकिन अगर ये 3-4 साल पहले बड़ी नॉर्मल सी चीज थी, अगर कोई पूछता कैसे किया, अरे डेडिकेशन ऑफ डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन एंड ब्ला 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 ब्ला, मतलब बकवास, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट चलो फेक नाटिस कम से कम होते जा रहे हैं, और वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं राजवीर क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जब उन्होंने फाइनली टेस्ट कराया तो उनका टेस्टोस्टेरोन 1500 से ज्यादा था, उसको भी हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, घर पे किसी को type 2 diabetes है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और फॉर ओनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं आप जो भी चीज बताऊंगा इसमें, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है व्हाइल वर्किंग लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स। मतलब मैं प्रेप कोचिंग नहीं करता, लेकिन व्हेन समबडी इज ब्रोकन, उनके हेल्थ पूरा सिस्टम खराब होता है, मैं तब काम करता हूँ। तो नो ड्रग्स आर इन्वॉल्व, बिकॉज़ आई एम नॉट अ डॉक्टर एट ऑल। और जो चीज मुझे नहीं पता होगी, आई एम गोइंग टू लाइक स्ट्रेट अप टेल यू, वो मुझे नहीं पता। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड कि मैं गूगल से कुछ पढ़ के आपको बोल दूं। मतलब लिटरेचर इंपॉर्टेंट पार्ट है ही है, लेकिन अगर मेरा उसमें कोई प्रैक्टिकल इंसाइट नहीं है तो चीज का मतलब बनता नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। मेन हार्मोन की बात करूंगा जो टेस्टोस्टेरोन होता है, आपने सबने सुना होगा। तो अब हम मैं चैट खोलता हूं, जिसपे मेरा मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूं जिस लैब से। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए मैंने ये साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने ये स्क्रीन पर खोल दिया है। इसके अंदर आप देखिए, मैंने रिपोर्ट खोली है, इसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हमने टेस्ट करवाया। ये देखिए पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो जब मैं साइकिल पर था तो मेरा जो मुझे बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होने लगा, आलसी फील होने लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और अंदर से भी मुझे बॉडी आवाज़ दे रही है कुछ गड़बड़ है। तो जब मैं साइकिल पर था तो आप देखो जो टेस्टोस्टेरोन था मेरा, वो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए, एडल्ट मेल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 21 से 49 साल के अंदर होना चाहिए 164 से 753, 164 से 753 तक। मेरा ये हो गया था 19, मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर। और अगर ये 0 ही हो जाता तो टेस्टोस्टेरोन मेल का, इंसान का जो मर्दाना हार्मोन है, वही 0 हो जाता उसके अंदर। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या चीज़ है, टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ, रेंज 164 से 7 समथिंग या 8 समथिंग के बीच में। और अगर मान के चलिए आपका टेस्टोस्टेरोन 200 के आसपास आता है तो यू विल बी कॉल्ड इन रेंज, तो डॉक्टर पास जाओगे, बोलो कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन अगर आप हाई रेंज के पास होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा रादर देन लोअर रेंज के बीच में। दोनों में आप नॉर्मली कहलाएंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू बी नियर द हायर रेंज। वो कैसे होता है वो इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। लेकिन अब जैसे राजवीर एक बात कर रहे हैं, कहते हैं उनका 19 था, तो अगर 0 होता तो क्या बचता, 19 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। और अब इसकी प्रॉब्लम क्या रहती है, देखो जब आप बाहर से कुछ भी एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो आपकी बॉडी खुद बनाना बंद कर देती है। जब वो बनाना बंद कर देगी तो प्रॉब्लम क्या है, ईस्ट्रोजन को एक डीमन समझा जाता है। और जब भी कोई लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, साइकिल पे जाते हैं, तो जो AIs होते हैं, SERMs होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन को कम करने के लिए यूज होते हैं, वो मतलब अंधाधुंध यूज होते हैं। उनका लिपिड्स पे बहुत गंदा असर है, आपकी आंखों में बुरा असर है। और जब मूड की सारी बात आते हैं ना, तो ये मोस्टली क्या केस हो जाता है कि आपका जो ईस्ट्रोजन है वो क्रैश हो चुका है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर इतना कम है तो ईस्ट्रोजन कुछ बचा ही नहीं होगा। और कम ईस्ट्रोजन आई वुड is much more dangerous than higher estrogen, क्योंकि कम estrogen has been associated with deaths as compared to जो higher estrogen है उसमें भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कम estrogen होना नहीं चाहिए। इसलिए if you're on a cycle just don't think about killing estrogen completely, range में होनी चीज जरूरी है, ऊपर नीचे ना हो तो ज्यादा अच्छी है। आप सोच सकते हैं कुछ भी नहीं बचेगा। जो बातें होती है ना बॉडी बिल्डर्स के बारे में कि भाई ये ऐसे खराब हो जाते हैं, इनकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, इनके बच्चे नहीं होते, वो बिल्कुल फैक्ट है। आप देखो 19 मेरा टेस्टोस्टेरोन हुआ, और मैंने यहाँ इस रिपोर्ट को देखते ही, हमारे पास ये सबसे बड़ा हथियार है अपने चीज़ को, अपने इंटरनल बॉडी को जानने का, जो कि लोग लापरवाही कर देते हैं, बिना जाने अपनी बॉडी में उल्टा सीधा सामान ठोकते रहते हैं, और भाई बाद में उनको पता लगता है कि अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, अब ठीक भी नहीं हो सकता। वो कंडीशन आते हैं जब आके उनको पता लगता है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, फिर वो सर पकड़ के बैठ के रोते हैं। अब मुझे ये अक्टूबर में दिखाई दिया, तो इसके
अक्टूबर में मैंने मेरा मंजिल सॉन्ग, मेरा वो जो ठुकरा के मेरा प्यार वाला वीडियो आपने देखा वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो फटाफट से शूट करा। और 20 अक्टूबर से मैंने सारा सामान बंद, नेचुरल डाइट पे आ गया। नेचुरल डाइट में पीसीटी में लोग एचसीजी वगैरह लगाते, मैंने कुछ भी नहीं खाया नॉर्मली। मैंने 3 चीज़ें चलाईं, आपको भी बता दूँ, देखो कीड़ा जड़ी, स्वर्ण भस्म और FPP, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड। आधे लोगों को पता नहीं होगा ये क्या चीज़ है, तो भाई देखो अब कीरा जड़ी और स्वर्ण भस्म के बारे में बात नहीं करूंगा। आई वुड से कि या आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको रिकमेंड करेगा। मैं गूगल पे देख के कुछ आपको बोलना नहीं चाहता, आई हैव नो आइडिया कि ये चीजें कैसे काम करती है, मुझे बड़ा फेंट आइडिया, लेकिन मैं अपना इनसाइट कुछ नहीं दे पाऊंगा, गूगल से देख लो ज्यादा अच्छा। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर इफ यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, तो ऐसे मत कीजिए कि जो राजवीर बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम फॉलो करो, दैट विल बी लाइक रियली बैड। हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड की। अब ये फर्टिलिटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप जो पूरा साइकिल देखो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का, हमारा जो HPG एक्सेस होता है, तो कुछ चीजें होती हैं, अगर वो हो तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प होगी। अब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस चीज के बारे में अबाउट FPP, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 आपको अच्छे रिसोर्सेज डाल दूंगा जहां से पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस तभी होगा, स्पर्म्स होंगे, टेस्टोस्टेरोन में सब चीजें चाहिए हमें फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए, तो उसमें ये एक इंटीग्रल पार्ट प्ले कर सकता है। लेकिन अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर समबडी जिनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी लो है एंड समबडी इज ऑफ साइकिल इमीडिएटली, फर्टाइल होते ही नहीं है। तो इसके लिए अगेन फॉर यू जिन्होंने ये वीडियो देखी, क्योंकि इसमें 1500 टेस्टोस्टेरोन की बात की गई है, यू थिंक कि FPP लेके आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो जाएगा, नो। ये सब केस स्पेसिफिक चीजें होती हैं, आपको देखने की पहले दिक्कत क्या है, कमी कहां हुई है, उस चीज को ठीक किया जाता है। आपने अगर आपके पास अच्छे कोच हैं उनको जाके पूछना, तो हमारी मसल बॉडी की रिकवरी के लिए, ये जो मेरी है ये 9 अक्टूबर की रिपोर्ट थी और मुझे अंदर से इतना ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा यार इतना कम टेस्टोस्टेरोन तो बहुत रिस्की हो सकता है। तो उसके बाद मैंने ठीक एक महीना भी नहीं हुआ, दोबारा से रिपोर्ट करवाई ये देखने के लिए कि जो नेचुरल चीज़ें मैं खा रहा हूँ उनसे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। कीड़ा जड़ी में खा रहा हूँ, मैं स्वर्ण भस्म ले रहा हूँ, मैं FPP ले रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड, तो इससे मेरा क्या रिजल्ट निकला है। तो देखो एक महीने के अंदर मैंने सामान छोड़ा, अगर मैं बॉडी का लालच करता कि यार बॉडी मेरी अच्छी खासी श्रेड हो रही है, इससे और स्टाइल मारूंगा और पैसा कमाऊंगा, तो अगर मैं साइकिल लेता जाता ना, तो भाई सब कुछ खत्म हो जाता। सब कुछ का मतलब सब कुछ, सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते, स्पर्म काउंट जीरो हो जाता, टेस्टोस्टेरोन जीरो हो जाता, प्रोलैक्टिन हार्मोन जीरो हो जाता। तो फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाया ठीक एक महीने बाद, उसके बाद मेरा जो वैल्यू आई टेस्टोस्टेरोन की, आप देखो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, 21 से 49 के जो लोग हैं, 21 साल से 49 साल के जो लड़के हैं, आदमी हैं, मर्द हैं, उनका जो होना चाहिए वो 164 से 700 तक होना चाहिए, मेरा आया 42, मतलब 19 से 42 आ गया। तो 20 कितना, 19 से 42 हमारा हो गया 22 पॉइंट मेरे ऊपर आ गए, मैं जब सारा सामान छोड़ के नेचुरल हो गया। तो ये थी मेरी टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट 19 से 42 हुई। उसके बाद एक हमारी बॉडी के अंदर होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एक तरह से आपका, प्रोलैक्टिन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक तो बात होगी कि जब कोई आप साइकिल पे जाते हो उसके बाद नॉर्मल जो हमारा HPG एक्सेस होता है, जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है। और सेकंड पार्ट है कोई मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, तो कई बारी बॉडी अपना टाइम लगाती है टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शनैलिटी, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। वेरी रेयर केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई पहला साइकिल लेता है और उसका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वापस नहीं आता। अगर आप उन अनलक्की इंसानों में से हो, तो मम्मी पापा तो कहते थे ना भाई इंजेक्शनों से दूर रहो, फिर भी गए। तो द पॉइंट इज कि ये रिस्क हमेशा रहेगा किसी साइकिल के साथ, नो मैटर आप कितने सेफली कोई भी साइकिल करो, एक इनहेरेंट रिस्क तो रहता ही रहता है, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, ठीक है। और सेम केस है बैक इंजरी के साथ कि अगर आपको बैक इंजरी है, बाकी किसी टाइप की इंजरी है, तो लेट बॉडी टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, 10 डिफरेंट चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वी डोंट नो कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट। अब प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, राजवीर बात करेंगे, फिर आई विल टेल यू अबाउट प्रोलैक्टिन। जैसे आप कह लो सेक्स हार्मोन, मर्द के अंदर का जो सेक्स हार्मोन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो जो प्रोलैक्टिन होता है वो होना चाहिए हमारे मेल्स के अंदर 2.1 से 17.7, 2 से 17 मेरा आया 0.67, मतलब कि आप समझ लो अगर मैं शादीशुदा होता या मुझे बेबी प्लान करना होता, बच्चे पैदा करने होते, तो वो शायद नेक्स्ट इम्पॉसिबल था अगर सेक्स हार्मोन ही जीरो हो जाएगा इंसान का। तो ये मैंने कराया 4 नवंबर को, फिर मैं नेचुरल डाइट पर हूँ, मैं सब कुछ नेचुरल कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी को रिकवर कर रहा हूँ इंटरनली, नॉर्मल सप्लीमेंटेशन पे हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, कीड़ा जड़ी, शिलाजीत, अश्वगंधा, FPP, दैट्स इट। उसके बाद मैंने फिर 2 महीने बाद करवाया 14 जनवरी को, 4 नवंबर से 14 जनवरी को मैंने अपनी ब्लड टेस्ट करवाई, तो उसके अंदर मेरा जो
नवंबर से जनवरी में 2 महीने बाद जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन आया दैट इज, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये आ गया 267, जो कि एक नॉर्मल मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होना चाहिए वो मैंने रिकवर कर लिया। 164 होना चाहिए वो आया 267, मतलब कि बीच में आ गया 150 से 700 के बीच में आ गया 267। और जो मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन था जो जीरो था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन था जिसको अच्छा प्रोलैक्टिन की बात करते हैं क्योंकि राजू ने सर हम बात की है, लेकिन आई वुड हैव लाइक टू सी कि ये टेस्टोस्टेरोन के साथ फ्री टेस्टोस्टेरोन भी दिखाएं, उसके साथ अगर हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपका FSH LH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूटिलाइजिंग हार्मोन बताते हैं, मतलब वो भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब देखो। उसके बाद अगर आप प्रोलैक्टिन देख रहे हो प्रोजेस्टेरोन भी देखो और ईस्ट्रोजन इन पर्टिकुलर E2 देखना भी बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं है तो वो टॉक अबाउट इट। लेकिन बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, आपको जानना जरूरी है कि ये चीज होती क्या। देखिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना ये जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है उसमें ये बड़ा इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है। जब मैं किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल के साथ काम करता हूं तो मोस्टली जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तब ये स्पाइक बहुत करता है प्रोलैक्टिन, तो प्रेडोमिनेंटली हम ब्रेस्ट मिल्क से एसोसिएट करते हैं प्रोलैक्टिन को, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रोलैक्टिन का यही काम है। तो मोस्टली अगर मेल्स की बात करूं तो लो प्रोलैक्टिन बहुत बहुत रेयर होता है, हम रीजंस के बात करेंगे क्या है, लेकिन हाई प्रोलैक्टिन कुड बी एन इशू। मैंने अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात की, LH की बात की थी, हमारे जो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होते हैं वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो प्रोलैक्टिन उसमें हेल्प करता है, मतलब जैसे LH सिक्रीशन में हेल्प करता है तो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होता ही है। तो लाइक गुड लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन गुड लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन कहना सही है। और अगर आपका प्रोलैक्टिन कहीं ज्यादा हो गया तो आपको लिबिडो के इश्यूज होंगे होंगे, और प्रोलैक्टिन सिर्फ इन कामों में नहीं न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में भी बड़ा इसका पार्ट होता है। लेकिन अब सवाल आता है जैसे राजवीर का प्रोलैक्टिन बहुत कम था तो अभी कैसे हो सकता है। देखो जब अगर आप एक फोटोशूट की तैयारी कर रहे हो ट्रेंड टाइप की ड्रग्स बहुत कॉमन होती है क्योंकि वो जो एक हार्ड ग्रेनी लुक आती है वो ट्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उसमें। तो जो ट्रेंड है वो एक प्रोजेस्टोजेनिक स्टेरॉइड है और उससे क्या होता है उससे मोस्टली प्रोलैक्टिन आपका बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए एक देयर इज अ ड्रग कॉल्ड केबरगोलिन बोलते हैं उसको, वो यूज कर लेते हैं। अब द थिंग इज डोसेज आर्बिट्ररी होती है, हम ये नहीं चेक करते कि हमारा प्रोलैक्टिन कितना है उस हिसाब से केबर की डोसेज सेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चक्कर में प्रोलैक्टिन बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो केबर जो ड्रग है उसकी हाफ लाइफ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो 3 दिन है। तो अगर आप किसी की हाफ लाइफ को उससे 5 गुना भाग करो तो आपको एक एस्टिमेट आइडिया हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन आपके वो जो ड्रग है वो आपके सिस्टम से कब बाहर है। तो मान के चलिंग का प्रोलैक्टिन बहुत कम है उस टाइम पे केबर गोलिन जो थी वो इनके सिस्टम में अच्छी खासी थी, तो 15 दिनों के बाद वो जो केबर का असर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज क्या होती है, जब भी कोई फैट लॉस फेज में होता है हम PEDs की जब बात करते हैं तो थायराइड मेडिकेशन बहुत यूज होती है। तो जो थायराइड मेडिकेशन अगर आपका देखो थायराइड बहुत ऊपर है बहुत नीचे है वो भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स को असर करता है, मतलब वो प्रोलैक्टिन कम करेगा। उसके बाद जो आपका विटामिन B6 स्टेटस है वो भी प्रोलैक्टिन के स्टेटस को अफेक्ट करेगा। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए जिससे प्रोलैक्टिन कम होता है। लेकिन as I said पहले भी doesn't matter कि लेवल नीचे है ऊपर है दोनों ही खराब है, हमें रेंज में रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली हम जब सारे हार्मोन्स की बात करते हैं क्योंकि हार्मोन्स लाइक वेरी वेरी पावरफुल। सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन अगर हम बोले तो वो होना चाहिए 2.1 से 17.7, मेरा आया 11.1, मतलब कि 17 से थोड़ा नीचे 2 से बहुत ऊपर, मतलब बीच में। अभी मैं जनवरी के अंदर मतलब कि 14 जनवरी के अंदर मैं बिल्कुल नेचुरल, जब मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी डाउन हो गई, मेरे मसल्स नहीं है, मेरे वेंस नहीं है, मैं किसी तरह का कोई स्टीरॉइड सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूं, तो मेरी बॉडी नॉर्मल लड़के जैसी हो गई। अभी मेरी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा है, मेरी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत अच्छा है। अब हम आ जाते हैं मार्च में, अब जनवरी से मार्च भाई मैंने इतना स्वर्ण पसंद क्या होता है, गोल्ड जो होता है ना गोल्ड का पाउडर उसको उसके अंदर कुछ हर्ब्स मिला के हम खाते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया हुआ है। तो वो मैंने जब सर्दियों में खाना तो जैसा आज आपको मौसम फील हो रहा है गर्मी में मार्च में वैसा मुझे सर्दियों में होता था, और अब तो मेरी लगी पड़ी हर चीज के छोटे बहुत नुकसान होते यार, मतलब उससे इतनी गर्मी आती बॉडी में कि अब मेरे से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो अब मैंने जो रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करवाया 7 मार्च को करवाया, जो मैंने स्टोरी बनाई थी और जिसको मैंने बोला कि मैं लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट करवाऊंगा और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो 7 मार्च को जो मेरा टेस्टोस्टेरोन आया किसकी वजह से, मेरी कोई साइकिल चल रही है मेरी तुम आपको दिख रही होगी, मेरे कोई मसल्स नहीं है, किसकी वजह से, मेरा FPP स्वर्ण पसम कीड़ा जड़ी शिलाजीत। तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन आया है अभी दैट इज मैं हिल गया देख के वो आया 1500, मतलब कि जो नॉर्मल आदमी अंदर 700-750 होना चाहिए वो मेरे अंदर आया 1500, मतलब कि नॉर्मल आदमी से डबल टेस्टोस्टेरोन। कोई साइकिल नहीं चला रहा हूं मैं, किसी तरह का टेस्टोस्टेरोन नहीं ले रहा हूं, जो मैंने लापरवाही करी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या हुआ। तो मेरा 1500 आया, उसके बाद मैंने प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाया जो कि हमारा सो कॉल्ड सेक्स हार्मोन उसको आप बुला सकते हो, तो वो हमारा आया है 32.79, मतलब कि जो सेक्स हार्मोन 17 होना चाहिए वो 32 आया, टेस्टोस्टेरोन 1500 और प्रोलैक्टिन जो सेक्स हार्मोन दैट इज 32 जो कि 17 होना चाहिए, मतलब सारी चीजें डबल आ रही हैं। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अभी आई एम हेल्दी, मतलब जो नॉर्मल चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा सब कुछ है मेरे अंदर और मेरे सारे ऑर्गन्स बिल्कुल फिट है। तो समझाना जो चाह रहा हूं ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये सिर्फ हवाबाजी दिखाने के चक्कर में या सोशली बॉडी दिखाने के चक्कर में अपने आपको पूरी तरह से डैमेज।
अब ये था इस वीडियो का मेजर टॉपिक, वो क्या था कि 1500 टेस्टोस्टेरोन। अब व्हाई आई थिंक कि ये नंबर सही नहीं, मतलब राजवीर की इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब इज नॉट मेकिंग एनी, मतलब कोई वो फॉल्स क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हियर मी आउट दो सेंट्स। सबसे पहले अगर आप कभी भी देखो जब भी आपका टेस्ट रिजल्ट आता है, वो साथ में एक जरूर बताते हैं कि मेथड क्या है यूज करने का टेस्टिंग का। तो जो मेथड यूज होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो CLIA मेथड। अगर आप इसको ध्यान से देखो CLIA लिखा होगा, और जो CLIA मेथड होता है इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो समथिंग कॉल्ड ELISA, ELISA मेथड, वो उसकी एक्यूरेसी इससे कहीं ज्यादा होता है। इन केस यू वांट टू रीड अबाउट इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। और इंडिया में बहुत सारी लैब्स हैं जो कि ये मेथड यूज करती हैं। मेरा हर रोज का काम है ब्लड टेस्ट रिजल्ट देखना, और मैं एक चीज क्या देख रहा हूं, और मैं काफी टाइम से देख रहा हूं, जब कोविड हुआ, कोविड के बाद लोग टेस्टिंग कराने बहुत लग गए। अब कोई भी लैब आपको कैसे उकसा रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, 1000 रुपए में फुल बॉडी टेस्ट, 1500 रुपए में फुल बॉडी टेस्ट। नॉट सेइंग कि किसी लैब का नाम नहीं ले रहा, मैं बस बता रहा हूं। लेकिन जब अगर हम सिर्फ रेट्स के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं, तो जो हमारी टेस्टिंग की तरीके होते हैं वो बड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हम सस्ते तरीके यूज करते हैं जिससे एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लिपिड प्रोफाइल होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स, सबको पता होगा, आपको पता है जब आप सैंपल लेते हैं, अगर वो सैंपल हिलता है ज्यादा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल चेंज हो जाते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो चलो वो एक पार्ट हो गया, ठीक है कि 1500 से ऊपर दिखाया। लेकिन अगर आप 1500 के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की बात करो ना, तो अगर मैं स्टेरॉइड साइकिल्स की लैंग्वेज में बात करूं, तो 500 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन आपको, मतलब 500 मिलीग्राम पर वीक टाइप टेस्टोस्टेरोन आपका मतलब वो होना चाहिए, तभी 1500 से ऊपर आएगा। और एक बड़ी पॉपुलर स्टडी हुई थी, दिस अ वेरी ओल्ड वन, और बड़ी बड़ी साइट हुई है कि अगर लोग अराउंड 600 मिलीग्राम पर वीक टेस्टोस्टेरोन लेते हैं कंपेयर टू 300, और या मतलब दो तीन रीडिंग्स थी, आई डोंट हैव दैट ऑन टॉप ऑफ माय हेड अभी, लेकिन पीपल ऑटोमेटिकली बिल्ड मसल ऑन मोर टेस्टोस्टेरोन। तो लेकिन राजू ने खुद बोला कि मतलब इट डजंट फील एनी मस्कुलर पार्ट है कुछ ऐसा, तो आई हाईली डाउट कि ये नंबर 1500 से ऊपर है। डेफिनेटली वो एक हेल्दी रेंज में आ गए, क्योंकि आपका जो मूड है, ओवरऑल चीजें हैं, वो आपको बता देंगे क्या। लेकिन 1500 के ऊपर था इसलिए यू गाइज गॉट ऑल हाइप्ड अप कि क्या हमें भी कोई ऐसा रेसिपी मिले कि जिससे 1500 से ऊपर हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे जो पूरा वीडियो था जो राजवीर ने बनाया, मतलब आई हाईली रिकमेंड का पूरा वीडियो देखो, क्योंकि इसमें राजवीर ने बड़ी सारी और चीजें बताई हैं। जैसे एक चीज मैं हमेशा बात करता हूँ कि देयर इज नेवर अ वन साइकिल। आप एक बारी यू आर ऑन द सॉस, एक बारी आप इस साइकिल पे जाते हो, यू आर सुपरमैन द जिम, आप उसका उतरना क्यों चाहोगे। जो लोग जैसे एक लाइन राजवीर ने बड़ी अच्छी बोली थी, कहते हैं कि अगर इफ आई सी अ ग्रेट बॉडी, क्योंकि आई सी द सेम वे, और मेरे साथ वाले कोई पता नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या होता है, लाइक भैया क्या मस्त बॉडी है बंदे की यार। राजवीर वाज लाइक कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आई होप कि ये अंदर से ठीक हो, उतना खोखला ना हो, क्योंकि वी ऑल नो स्पेशली लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री में कि क्या क्या चलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, फॉरगेट अबाउट एक कोई पर्टिकुलर चीज जो टेस्टोस्टेरोन को बड़ा हाइप करेगी। देखो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ आपको मैं। टेस्टोस्टेरोन एक डेरिवेटिव है ऑफ अ लॉट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी कॉम्प्रोमाइज है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आपको ये देखना होगा कि पहले आपका कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर कौन सा। इसलिए कोई स्टैक आप ऐसे नहीं बना सकते, इट हैज टू बी लुक्ड इनटू। जैसे लेट्स अस्यूम अश्वगंधा, किसी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अश्वगंधा आप यूज करो, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेस है ही नहीं, अश्वगंधा विल मेक नो सेंस, उतना खास मतलब नहीं बनेगा। सेम केस है कि विटामिन डी, कि विटामिन डी अगर बहुत कम होता है, विटामिन डी डालो, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन इज नॉट एंड ऑल बी ऑल, आपको पूरी हेल्थ का देखना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ यू शुड बी सीइंग एट इट। तो गाइस आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इट वाज वैल्यूएबल टू योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।